हमने अपने घर का नाश्ता ऐसा बनाया जो यूरोप और अमेरिका में मजबूरी में खाया जाता। मैंने कहा ना पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, अब हमने घर में शौक से लाना शुरू किया। ज्यादातर घरों में ब्रेड पकौड़े नाश्ते में मैं देखता हूं, या ब्रेड का कोई ना कोई प्रिपरेशन नाश्ते में मिलता है। पूछो, कहते हैं बहुत इजी है। इजी तो इडली भी है, सांभर भी है, उत्तपम भी है, रसम भी है, डोसा भी है, और हलवा से ज्यादा इजी कोई चीज नहीं। सबसे सुरक्षित, सबसे पौष्टिक हलवा के बारे में आप जानते हैं? मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो ऑपरेशन करा के आया हो अभी घंटे भर पहले, मैं उसको कह सकता हूं कि घी का हलवा खा लो, इतना सुरक्षित है। उस पेशेंट को रोटी नहीं खिलाई जा सकती, दाल नहीं खिलाई जा सकती, चावल नहीं खिलाया जा सकता कम से कम 15 दिन, लेकिन मैं उसको ये जरूर कह देता हूं कि ऑपरेशन खत्म होते ही जैसे ही होश आए हलवा बना के खिला देना, देशी गाय के घी का, क्योंकि वो हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो हलवा से ज्यादा तो कोई भी हमारे पास डिश नहीं है जो 5 मिनट में बन सके, लेकिन वो हलवा गायब हो रहा है धीरे धीरे। पाव रोटी आ गई, डबल रोटी आ गई, बिस्किट आ गया, घर में नूडल्स आ गए, और सवेरे के नाश्ते में ये जरूर है। और आयुर्वेद कहता है कि सवेरे का नाश्ता ही सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसी में भरपेट हम पाव रोटी डबल रोटी खिलाना। कभी कभी बच्चों का बहाना बना देते हैं, जी खाते नहीं, वो आपने खिलाने की आदत नहीं डाली तो वो खाएंगे क्यों। यहां से ही हमारी जिंदगी की गड़बड़ी शुरू हो रही है। और ये सड़े मैदे की पाव रोटी डबल रोटी आप जितनी खाएंगे कब्जियत उतनी ही बढ़ेगी, कब्जियत बढ़ेगी तो शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली हैं। 103 बीमारियां होती हैं, ये ध्यान रखिए। आज मेरे पास सुविधा नहीं है, अगर एलसीडी प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको यहां दिखाता। एलसीडी है? एलसीडी प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखाता कि जब आप ये खाते हैं ना, मैंने इस पर बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाई हुई कि जैसे ही पाव रोटी खाते हैं तो अंदर क्या होता है पेट में जाने, डबल रोटी खाने के बाद क्या होता है, बिस्किट खाने के बाद क्या होता है, चाउमीन और नूडल्स खाने के बाद पेट में क्या होता है, कैसे कैसे वो कहां कहां चिपकता है, कितने एरिया को वो कवर करता है, और फिर कैसे आपको कॉन्स्टिपेशन बनाता है, और उसका बनाने का जो तरीका कोई देख ले तो उसको घृणा हो जाए, इतने खराब तरीके से बनता है। दूसरा एक नियम है, आयुर्वेद का नियम है, अष्टांग हृदय का भी वो नियम है, और सभी ऋषि ऐसा बोलकर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, दूसरा ये नियम है। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठंडी है, तो ये जो जबड़े हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं वो। हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हमको तो चबा चबा के खाना है। और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड हैं बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकलेगा। तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए, फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास। और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए, तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। और आप तो अगर जैन दर्शन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसमें जीव वृद्धि होती है। तो ताजा पानी बना के पीते रहिए, ताजा पानी बना के माने हर समय हल्का गुनगुना करके पीते रहिए। चौथा नियम यह है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, कि खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, यूरोप में नहीं है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं आपके। एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने अपने दांत गिन लीजिए,
किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे। तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत हैं तो 32 बार चबाइए, 30 हैं तो 30, 28 हैं तो 28, खूब चबा के खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घूट घूट पानी पियेंगे तो बहुत लार जाएगी, गटगट गटगट पियेंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी ज्वाइंट्स पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो सिप करके पानी पीजिए। और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के, खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार है। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है, एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना ज्वाइंट पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया, जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी दोपहर को पानी पिएगी, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं, जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी, लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया बूटा है, वो खाने के साथ घटाघट घटाघट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते रहता है। आयुर्वेद में ये सूत्र है भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया आपने, तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए पानी, सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर है। चाय से शुरुआत करने वालों को 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी ही नहीं।